राष्ट्र के भविष्य का निर्माता कहा जाता है, लेकिन अगर शिक्षक की डिग्रियां ही सवालों के घेरे में आ जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा। जी हाँ, ऐसा ही मामला आया है जिसमें UPSTF ने प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में छापेमारी करके सैकड़ों की तादाद में ऐसे शिक्षकों के जाली प्रमाण पत्र को पाया है जो सालों से नौकरी कर रहे हैं जाली प्रमाण पत्र के सहारे। उनकी कहीं BEd की डिग्री फर्जी है, कहीं पर BA की डिग्री फर्जी है, कहीं पर हाईस्कूल और इंटर की भी डिग्री फर्जी है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद से उत्तर प्रदेश STF लगातार अभियान चला रही है। UPSTF के खौफ का ये आलम है कि तमाम ऐसे शिक्षक जिनकी डिग्रियां सवालों के घेरे में हैं वो खुद इस्तीफा देकर के जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनको UPSTF ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा है और उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। साथ ही उन्होंने सालों से जो वेतन उठाया है उनकी रिकवरी की भी बात सामने आ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश STF का ये मानना है कि प्रदेश भर में 50,000 से अधिक टीचर की डिग्रियां फर्जी हैं और वो सालों से लगातार शिक्षा विभाग को चूना लगाते आ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों की नींद उड़ी हुई है। वहीं STF इस पूरे मामले में जांच करने में और दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।